नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरु जी के वीडियो लेक्चर्स में। और ये जो लेक्चर है आपका, ये एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए है। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में हमारे दो पेपर होने हैं एमपीपीएससी के द्वारा, जो ये एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव के लिए। इसमें दो पेपर होंगे, आपका एक पेपर फर्स्ट होगा और आपका एक पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में डिफरेंस ये है कि जितने भी लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम लिए जा रहे हैं सिविल सर्विस के अलावा, चाहे वो वेटनरी सर्जन का हो, चाहे वह सामाजिक सेवा अधिकारी का हो या रजिस्ट्रार का हो, प्रोफेसर का हो, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वह इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम हो, सभी में जो पेपर फर्स्ट है वो कॉमन है, जहां पर आपको एमपी और साथ में करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनको कवर करना है। सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक कॉमन होते हैं, लेकिन जो सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2022 का एग्जाम है, इसमें भी जो सेकंड पेपर है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि उस पेपर के जितने भी टॉपिक हैं हम उसको एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको यहाँ पर कवर करें, साथ ही में उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स भी हम कवर करें, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये दूसरी बार आयोजित कर रहा है लोक सेवा आयोग। तो संभावना ये है जिस प्रकार से उन्होंने सिलेबस को दिया है, जो उसका नेचर है सिलेबस का, उसमें थोड़ा सा डीप जा सकता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां पर डीप में जा करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपने यदि अभी ध्यान नहीं दिया है तो मेरा आप सभी को एक बार सुझाव रहेगा कि आप लोग एमपीपीएससी की जो वेबसाइट है उसको एक बार विजिट करिए। साथ में इंजीनियरिंग सर्विस और जो डॉक्टर्स के मेडिकल से रिलेटेड जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, चाहे वो वेटनरी सर्जन का हो, डेंटिस्ट का हो, इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं, आप इसमें जो उनका फर्स्ट पेपर है इसका मॉड्यूल भी देखें कि आप एक अनुभव लें कि ये किस प्रकार से पेपर ये ले रहा है आयोग। वहीं पे आप उनके जो थोड़ा सा सेकंड पेपर है, जब आप उनपे भी गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि पेपर में आपको ज्यादातर जो प्रश्न मिलेंगे उस सब्जेक्ट में डीप में जाकर के पूछे जा रहे हैं। वैसे भी 2019 के बाद से आयोग ने लगातार अपने जो एमपी के क्वेश्चंस हैं उसमें काफी ज्यादा बदलाव किया है, नए नए प्रश्नों को समावेश ज्यादा किया है, नए प्रश्नों की उसने खोज करी है। पहले चलता था कि उज्जैन से ग्वालियर कौन लेके गया राजधानी, अवंतीबाई का जन्म कहाँ हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते थे, फिक्स थे कि हाँ यहाँ से पूछेगा जनांकी से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, चाहे वो सिविल सर्विस के एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए जा रहे हैं बहुत डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें किसी भी एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊं या हमारा फोकस वहां रहे जहां से प्रश्नों के बनने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इस लेक्चर में जो हम पढ़ाई करेंगे या जो हम देखेंगे वो है इकाई एक के जो टॉपिक उच्च शिक्षा है उसके बारे में। हमारे जो लेक्चर्स होंगे आगे, इनमें 1.1 या 1.2 की सीरीज चलेगी या लेक्चर 1, 2, 3 चलाएंगे, क्योंकि 1.1 मतलब इकाई एक का ये पहला लेक्चर है, इसी प्रकार से 1.2 दूसरा लेक्चर होगा। तो आपको एक प्लेलिस्ट में जानकारी मिल जाएगी कि इसका क्रम ये है। यहाँ पर हम मोटा मोटा जो उच्च शिक्षा है उसके बारे में जानेंगे, उस संगठन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से उच्च शिक्षा विभाग का गठन हुआ, कौन कौन से वहां पर अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका शासन प्रशासन किस प्रकार से चलता है, एक जो मोटी मोटी जानकारी है जो हमारे सिलेबस में दी गई है उसको हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बस जानकारी दे दें कि एग्जाम गुरु जी में एमपीपीएससी के जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 2022 का एग्जाम होने वाला है उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। पिछली बार ये जो एग्जाम हुआ था ये ऑनलाइन हुआ था, इस बार ये ओएमआर सीट में कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है। टोटल आपको जो नंबर ऑफ टेस्ट मिलेंगे वो 30 मिलेंगे। 30 में दो प्रकार से पेपर रहेंगे आपके, जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा वहां से 10 टेस्ट है, जो पेपर टू है आपका वहां से 10 टेस्ट है। ये सभी टेस्ट आपके यूनिट वाइज है। इनकी खासियत यह है इस टेस्ट सीरीज की कि इसमें जो मूल्यांकन पद्धति होगी वो 3R-W से होगी, जो कि एमपीपीएससी के जो लोक सेवा आयोग है उन्होंने इसका जो फॉर्मेट तय कर रखा है एग्जाम का, उसी के अनुसार आपका यहाँ पर भी मूल्यांकन किया जाएगा। यदि यानी कि आप यदि सही करते हैं प्रश्न तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, लेकिन यदि आप कोई अपना प्रश्न गलत करते हैं तो वहां पर आपके 1 नंबर कट जाते हैं। ये पिछली बार भी माइनस मार्किंग थी, इस बार भी माइनस मार्किंग कर रखा है और धीरे धीरे लगभग एग्जाम में माइनस मार्किंग जो पीएससी है वो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको 10 एफएलटी होंगी। एफएलटी अभी अपडेट नहीं की गई है, उसका कारण ये है काफी सारे लोगों ने क्वेरीज की थी और लगातार फोन आ रहे थे एग्जाम गुरु जी में कि आपने एफएलटी क्यों नहीं अपडेट करी। तो उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम की जो डेट है वो अभी आई नहीं है,
एक बार आप एग्जाम की डेट आ जाने दीजिए, क्योंकि एफएलटी में जो क्वेश्चंस रखे जाएंगे वो 150 के करीब रखे जाएंगे, उसमें करंट अफेयर्स भी हमें ऐड करना होगा। यदि आपका एग्जाम मार्च में होता है तो हमें फरवरी तक के करंट अफेयर्स आपके इस एफएलटी में रखने होंगे, तभी ये टेस्ट सीरीज देने का मतलब है। अदरवाइज टेस्ट सीरीज बहुत सारी चल रही है। आप जब वहां एग्जाम देने जाएंगे, पिछली बार के आप पेपर उठा करके देखिए, एग्जाम के 15 दिन पहले तक के करंट अफेयर पूछे गए थे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम में ही। एडीपीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 15 दिन पहले के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इस वजह से आपकी एफएलटी अपडेट नहीं की जा रही है। जैसे ही एग्जाम डेट आती है हम आपकी एफएलटी अपडेट कर देंगे, इसके लिए आपको कोई अलग शुल्क नहीं लगेगा। ये जो एफएलटी है आपको ऑटोमेटिक शो होना शुरू हो जाएंगी। ये टेस्ट सीरीज आप 499 में परचेज कर सकते हैं एग्जाम गुरुजी के प्ले स्टोर से। आप ऐप डाउनलोड करें, साथ में नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर में संपर्क करें, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकाई एक में हमारा सिलेबस क्या है। तो उच्च एक तो पहला टॉपिक हमारा है उच्च शिक्षा, जो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अब उच्च शिक्षा का हमें क्या क्या देखना है, ढांचा देखना और प्रकार देखना, यानी उच्च शिक्षा जो मंत्रालय है, जो विभाग है, ये किस प्रकार से काम करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, संगठन किस प्रकार का है और क्या क्या चीजों में ये ध्यान देता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में ये देखेंगे, और इसका प्रशासनिक ढांचा क्या है, उद्देश्य क्या है, इनकी क्या क्या उत्तरदायित्व है, कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं। यदि वीडियोस आगे बढ़ेंगे, लेक्चर ज्यादा हो जाएंगे, तो बाकी की चीजें हम वहां पर देख लेंगे। इसके साथ जो इसमें अगला टॉपिक आता है, एक तो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आता है, यानी UGC होता है, फिर NAC होता है, आपका जो राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद होता है, AICTE होता है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद होती है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग होता है, अध्यापक शिक्षक परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, ये जितने भी आयोग और काउंसिल्स होती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वेटनरी काउंसिल, आयुष विभाग, तो ये सभी हम यहाँ पर देखेंगे। इनके लिए क्या होगा कि जो एक वीडियो है वो ये सेपरेट आपका इनमें रहेगा, लेकिन इन पे हम केवल फोकस करेंगे, इनका गठन कब हुआ, इनके उत्तरदायित्व क्या है, राज्य सरकार के साथ इनका कैसे समन्वय होता है, क्या प्रक्रिया होती, जो मेन मेन जहां से प्रश्न बन सकते हैं उन चीजों को हम देखेंगे, और वीडियोस की श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। इसके बाद आती है बात इसकी कि जो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित इकाइयां कौन सी हैं, रूसा क्या है, किस प्रकार से हायर एजुकेशन में काम करता है, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ लर्निंग यानी यूनिसेफ का है, ये किस प्रकार से हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग है, उनके साथ किस प्रकार से समन्वय करके इनकी यूनिसेफ की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे हायर एजुकेशन को पैसा देता है, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो हायर एजुकेशन में एशियन डेवलपमेंट, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ के माध्यम से चल रहे हैं, तो ये सारी जानकारियां हम वहां पर देखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी का सिलेबस मैं पूरी तरह से कवर करा दूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उच्च शिक्षा का ढांचा एवं प्रकार से। तो पहली बात तो ये कि शिक्षा मंत्रालय का जो सृजन हुआ वो किस प्रकार से हुआ, ऐसा नहीं जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में तो भारत में पहले से ही एक शिक्षा मंत्रालय था, जिसके पहले जो मिनिस्टर थे वो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसकी एक विस्तृत आवश्यकता पड़ी इसके ढांचे में बदलाव करने की, तो जब 26 सितंबर 1885 में 174वां संविधान संशोधन किया गया, ये संविधान संशोधन शिक्षा विभाग के लिए नहीं था, मूलतः ये जो संविधान संशोधन था ये भारत सरकार का जो व्यासार एवं आवंटन नियम होता है ये इस पर संविधान संशोधन किया गया था, और इसी के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय का क्या किया गया, सृजन किया गया, यानी शिक्षा मंत्रालय हमारा अस्तित्व में आया। अब इस समय पे क्या था कि ये इसके दो विभाग थे, एक तो आपका स्कूली एजुकेशन शिक्षा विभाग हो गया, साथ में साक्षरता विभाग हो गया जिसके अंतर्गत साक्षरता अभियान चल रहा था, और दूसरा था उच्चतर शिक्षा विभाग। लेकिन क्या हुआ कि जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई 85 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय पे शिक्षा मंत्रालय का जो नाम रखा गया वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया। जो वर्तमान सरकार है उसके पहले तक ये विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था। फिर क्या हुआ कि नई सरकार आई और ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आई, क्योंकि काफी समय से लगभग 1985 के बाद से 85-86 के बाद से हमारे देश में शिक्षा नीति वही की वही चल रही थी। आप इस बीच में आपने ध्यान दिया होगा कि जो बाकी के विश्व में बाकी के देश है वहां पर लगभग 4 से 5 वर्षों में शिक्षा नीति बदल जाती है, हमारी वही पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी और सरकार ने इसकी जरूरत महसूस करी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे NEP बोलते हैं, NEP 2020 लेकर के आए, और इसी शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और ये हुआ क्या, केंद्रीय परिषद ने जब 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित करी, तभी से
जो नेप 2020 के अंतर्गत 1986 से जो चल रहा था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये क्या हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MOE कहा जाता है, जो कि पहले MSRD कहलाता था। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि उच्च शिक्षा विभाग के आपको क्या कहते हैं, विभाग का कौन कौन से जो होते हैं प्रभार होते हैं। पहली बात तो ये, जो उच्च शिक्षा विभाग होता है इसके अंतर्गत दो आते हैं, एक तो माध्यमिक आता है और दूसरा उत्तर माध्यमिक आता है। अब हमारे यहाँ क्या है कि बिहार का जो विश्वविद्यालय अनुदान हो, यानी UGC है, इसका अधिनियम है 1956 अधिनियम के तहत ही UGC का क्या किया गया है, गठन किया गया। इसकी जो धारा 3 है वो ये कहती है कि भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे UGC, ठीक है। तो जो UGC की सलाह पर शैक्षणिक संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने का अधिकार है, ये किसे है, ये उच्च शिक्षा विभाग को ये अधिकार दिया गया है। यानी आपसे यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि डीम्ड विश्वविद्यालय को दर्जा कौन देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का किसी को दर्जा मिलता है वो दिया जाता है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन किसकी सलाह पर, ये UGC की सलाह पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देता है। और यदि ये पूछा जाए आपसे कि विश्वविद्यालय नियम UGC के एक्ट 1956 की कौन सी धारा के तहत, तो धारा 3 के तहत। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा क्या है कि जो हायर एजुकेशन है टेक्निकल एजुकेशन पे भी ध्यान देता है, इसके लगभग 122 संस्थान है जिनका जो बजट होता है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में हमारा एक तो IIIT कॉलेज आते हैं जिनकी संख्या 25 है, IIT कॉलेज आते हैं जिनकी संख्या 23 है, IIM आते हैं जिनकी संख्या 20 है, फिर इसके बाद IISc बेंगलोर आता है, अब IISER उनकी संख्या कितनी है, 7 है, साथ में आपका NIT कॉलेज भी आते हैं और NITRR कॉलेज भी आते हैं। इसके अलावा बाकी के जो कॉलेज हैं जो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े होते हैं, ये दो जगह से मान्यता लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो टेक्निकल एजुकेशन होते हैं इनको कंट्रोल करने में AICTE का भी रोल रहता है, लेकिन इन्हें डीम यूनिवर्सिटी कौन घोषित करता है, इन उच्च शिक्षा विभाग इसकी मान्यता देता है और UGC की धारा 3 जो इनका अधिनियम है इसकी धारा 3 के तहत देता है। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत तकनीकी संस्थान ये हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या लगभग 122 है। अब पूरे के पूरे इस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लगभग 8 ब्यूरो विभाग जो होते हैं वो विभाजित किया गया, उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। जैसे तकनीकी शिक्षा विभाग हो गया आपका, इसके बाद आपका उच्च शिक्षा विभाग हो गया, फिर कृषि शिक्षा विभाग हो गया, फिर इसका इनका वित्त भी आता है, फिर इनका यहाँ पे जो क्या कहते हैं एक्टिविटीज होती हैं वो भी आता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। अब एक जैसे अपना उच्च शिक्षा विभाग हो गया, इसके अंतर्गत बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जिनको ध्यान देने के लिए ये बांटा गया, इसको 8 ब्यूरो में विभाजित किया गया है। अब इसके नीचे बहुत सारे जो संगठन है उनका फिर निर्माण किया गया कि आप ये व्यवस्था देखेंगे। ये MOE यानी इनोवेशन सेस ये है क्या, पहली बात तो ये कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है जिसे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, क्या हुआ कि जब AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और MHRD यानी शिक्षा विभाग, इन दोनों ने मिल करके, क्योंकि हमारे देश को जब नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली थी उस समय पे उनके दिमाग में चल रहा था, तो ये आया क्योंकि जो वर्तमान समय है नवाचार का समय है, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें इनोवेशन हो रहे हैं, जैसे AI है, AI के कई रूप आ गए, 5G आ गई, तो उसके लिए क्या हुआ कि हमारे जो MHRD है यहाँ पर एक ऐसा कोई संगठन नहीं था जहां पर नवाचार के लिए एक अलग से विभाग हो। तो शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनोवेशन सेल्स, जिसको इनोवेशन सेल्स यहाँ से IC से इनोवेशन सेल हो गया, M से आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, तो जिसे शॉर्ट फॉर्म में MIC बोलते हैं, इसका गठन किया 2018 में। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो नवाचार हो गया या कोई उद्यमिता हो गई या कोई स्टार्टअप है, इसके लिए एक प्रकार की संस्कृति विकसित करना, इसके लिए अलग अलग फॉर्मेट में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, साथ में इसको बढ़ावा देने के लिए एक पूरी तरह से नीतियां तैयार करना, कॉलेजों में उसके लिए माहौल बनाना, स्कूलों में माहौल बनाना। जैसे आप जब स्कूल में थे तो आप लोगों के यहाँ विज्ञान प्रतियोगिता, क्या कहते हैं, विज्ञान प्रगति एक पुस्तिका आती थी, साथ में विज्ञान कंपटीशन, साइंस क्विज होते थे, वहां पर आप छोटे छोटे मॉडल बना करके ले जाते थे स्कूलों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता था, फिर स्टेट लेवल पे होता था, फिर वो नेशनल लेवल तक जाता था, लेकिन वो ज्यादातर क्या होता था, स्कूल डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता था, लेकिन इसके लिए कुछ अलग नहीं था। तो सरकार ने इसको पूरी तरह से अलग किया,
ऐसे विद्यार्थी जिन्हें कुछ नवाचार करना है, कुछ नया करना चाहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि अभी स्कूलों से भी काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्पेस पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और आपने अखबारों में या न्यूज चैनल में बहुत बार स्मार्ट इंडिया हैकाथन का बारे में सुना होगा कि प्रधानमंत्री इसका इनोग्रेशन करते हैं, प्रधानमंत्री भी वहां जाकर के सहभागिता करते हैं। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन भी किसके अंतर्गत आयोजित किया जाता है? MIC के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। इसके जो पहले अधिकारी थे, CEO थे, वो अभय जेरे थे। अब इसकी प्रमुख पहल में एक तो हैकाथन आता है, हैकाथन के कई फॉर्मेट हो चुके हैं। इसके अलावा आपका नवाचारों के लिए अटल रैंकिंग आता है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जा रहा है। अटल रैंकिंग में एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है जहां पर सुपर कंप्यूटर जैसी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, साथ में IICS है। अब नवाचार राजदूत कार्यक्रम है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कुछ नया करने के लिए, क्योंकि यदि ये अभी से इनके अंदर प्रतिभा है तो सरकार का दायित्व है कि उनको वो मंच प्रदान करे जहां से वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। साथ में उन्हें क्या हो जाता है कि जैसे अब हैकाथन होता है, हैकाथन में जब स्पेस से रिलेटेड कोई कॉलेज का स्टूडेंट या स्कूल का स्टूडेंट कुछ प्रोजेक्ट लेकर के आता है, वहां पर हमारे इसरो डिपार्टमेंट के भी वैज्ञानिक होते हैं, तो उन्हें वहां पर प्रतिभा दिखती है कि हाँ इस छात्र के अंदर प्रतिभा है। DRDO के लोगों को, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या होता है, मौका होता है, हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा होती है, चाहे वह खेल में हो, चाहे विज्ञान में हो, बाकी गतिविधियों में भी होती है, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी होती है। तो सरकार ने ये डिपार्टमेंट बनाया कि आप हैकाथन में आइए, आपके अंदर कोई प्रतिभा है तो उसको दिखाइए। अब वहां पर हमें तो ऐसा लगता है कि ये छोटा स्तर है, क्या हो सकता है, लेकिन जो एक प्रतिभा होती है वो धीरे धीरे बाहर आती है। तो जब हमारे यहाँ इसरो के या DRDO के जो साइंटिस्ट होते हैं वो जाते हैं, देखते हैं कि हाँ इसके अंदर काफी प्रतिभा है, तो उन्हें वहां पर एक नया वैज्ञानिक, भविष्य का वैज्ञानिक भी मिलता है, उन्हें गाइडेंस मिलता है। साथ में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि इसरो DRDO जैसे संस्थानों के, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थानों के जो वैज्ञानिक है वो उनका प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारे देश में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, ठीक है, हमारा जो भारत का संविधान है इसमें हमें बहुत से मौलिक अधिकार मिले। अब मौलिक अधिकारों में से कौन से मौलिक अधिकार है जो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा से जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहली बात, जो हमारा मौलिक अधिकार है वो भाग 3 के अंतर्गत आता है, और जो अनुच्छेद 13 है ये हमारे न्यायिक पुनरावलोकन का मौलिक अधिकार होता है। यानी ये जो हमारा आर्टिकल 13 है यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऐसा कोई परिवर्तन करती है जो हमारे संविधान के, जिसका प्रभाव हमारे संविधान के मूल ढांचे में पड़ता है, तो आप उसकी डिमांड के लिए आप उसके खिलाफ कोर्ट पे जा सकते हो और कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। यानी ये हमारा जो आर्टिकल 13 है ये हमारा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होता है। तो यानी ऐसा कुछ सरकार कार्यक्रम बनाए या ऐसा कुछ कोई कानून बनाए, कुछ संशोधन करे जिसके कारण हमारे शैक्षणिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी हम शिक्षा नहीं ले सकते, तो वहां पर हम कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरी बात जो आता है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 का जो होता है ये एक तो हमारा क्या कहते हैं, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। ये जो अधिकार है ये शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होता है। आप किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या उसका जन्म स्थान कहीं और का है, हमारे भारतवर्ष के किसी अलग राज्य का है, आप उसको उस स्कूल में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते। साथ में आप उसको यदि वो पढ़ना चाहता है तो आप उसको इन कारणों से नहीं रोक सकते। ये अधिकार हमारे किसी रेस्टोरेंट में भी काम आते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आते हैं, कि हमारा जिस किसी जैसे थिएटर है वहां पर भी काम आते हैं कि इन कारणों से आप मेरे को थिएटर में मूवी देखने से नहीं रोक सकते, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने से नहीं रोक सकते, तो ये कारण नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर एक आर्टिकल जो 15 होता है ये भी हमारा क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र पे, ये हमारे शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा के क्षेत्र में संवैधानिक हमारा प्रावधान है जो कि हमें अधिकार देता है। साथ में 21A है जो पूर्णतः शिक्षा का अधिकार देता है। ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था कि इन्हें शिक्षा से नहीं रोका जा सकता। 86वां संविधान संशोधन था भारत में और 2009 में संसद से पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से प्रवर्तित हुआ था। अब RTE जो है, राइट टू एजुकेशन, इसी के अंतर्गत जो इतने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं यहाँ पर कुछ सीटें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में गरीब छात्रों के लिए आरक्षित की जाती हैं। यानी गरीब छात्र चाहे तो किसी अच्छी स्कूल में एडमिशन ले सकता है। ये किसके अंतर्गत है, ये आर्टिकल 21 ने ही हमें ये अधिकार दिया है एक गरीब बच्चे को कि वो अच्छी से अच्छी स्कूल में एजुकेशन ले सकता है, कुछ सीटें अलॉट की जाती हैं।
साथ ही में आर्टिकल 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक अनुदेश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति की आजादी दी गई है। आप किसी को स्कूल में या कॉलेज में किसी को आप क्या कहते हैं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको ये कार्यक्रम करना ही पड़ेगा, ये धार्मिक कार्यक्रम में आपको सम्मिलित होना पड़ेगा। उसकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो उसमें सम्मिलित हो या ना हो। तो आप धर्म के कारण उसको स्कूल में एडमिशन लेने से भी नहीं रोक सकते। साथ में आर्टिकल 30 जो है वो जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं उनको अधिकार प्रदान करता है कि वो अपनी जो क्या कहते हैं संस्कृति है उसके लिए, वो अपना प्रसार के लिए, जो उनका धर्म है उसके प्रसार के लिए अपना एक अलग एजुकेशन खोल सकते हैं, अपने क्या कहते हैं अपनी संस्कृति रक्षा कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे ये है हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जहां पे पूरा का पूरा शिक्षा मंत्रालय जो उच्चतर शिक्षा विभाग है किस प्रकार से काम करता है। तो जो सबसे प्रमुख होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होते हैं, जो कि वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान हैं। उनके नीचे तीन राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब उसके बाद क्या होते हैं जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी होते हैं, फिर उनके नीचे बाकी के जो आईएएस होते हैं, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। किसी का मीडिया डिपार्टमेंट होता है, कोई इग्नू का प्रमुख होता है, कोई टेक्निकल एजुकेशन का प्रमुख होता है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है, कोई अकाउंट वगैरह देखता है, ठीक है। अलग अलग विभाग होते हैं, भाषा से भी जुड़े हुए विभाग होते हैं, एनआईटीज देखने वाले अलग होते हैं। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो सचिव होते हैं या उप सचिव होते हैं, फिर प्रमुख सचिव होते हैं। जो हायर एजुकेशन के प्रमुख सचिव हैं वो वर्तमान में श्री के संजय मूर्ति हैं। उनके ऊपर कौन होते हैं, तीन राज्य मंत्री होते हैं, और तीन राज्य मंत्रियों का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, हमारे देश का मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है, जो कि वर्तमान में श्री धर्मेंद्र प्रधान है। बात करी जाए शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, इनके जो राज्य मंत्री हैं तीन लोग हैं, पहली तो है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, दूसरी है डॉक्टर सी सुभाष सरकार, और तीसरे है डॉक्टर सी राजकुमार रंजन सिंह। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे कि विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है, ठीक है। विश्वविद्यालय का, किसी भी विश्वविद्यालय का मतलब क्या, विश्वविद्यालय की वास्तविक परिभाषा क्या है, चाहे वह केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो। तो सीधी बात यह है कि यदि कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो उसके लिए केंद्रीय अधिनियम काम करेगा। यदि कोई राज्य विश्वविद्यालय, जैसे हमारे यहाँ डीएवी भी हो गई, जेयू हो गई, जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गई, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके लिए वहां पर प्रांतीय अधिनियम यानी राज्य सरकार जो कानून बनाएगी वो काम करेगा। इन दोनों कानून के माध्यम से, केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से, और राज्य विश्वविद्यालय जो होते हैं वो राज्य के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन अधिनियमों के माध्यम से एक स्थापित निगमित विश्वविद्यालय से, उसका मतलब होता है कि निगमित विश्वविद्यालय है। अब इसके में क्या होते हैं, सभी के सभी नियम होते हैं कि किस प्रकार से किसी एक विद्यालय को महाविद्यालय, महाविद्यालय को विश्वविद्यालय की उपाधि दी जाएगी, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। अब इनको क्या होता है, इनको जो परमिशन मिलती है यूनिवर्सिटीज की, यदि राज्य सरकार किसी को विश्वविद्यालय बनाना चाहती है या केंद्र सरकार विश्वविद्यालय बनाना चाहती है, तो उसको सबसे पहले जो हमारा यूजीसी है उसके द्वारा मान्यता दिलवानी होगी, उसकी अनुशंसा पर, यूजीसी की रिकमेंडेशन पर ही उसको क्या कहते हैं किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी को स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। क्योंकि इनका जो प्रमुख कंट्रोलर है वो कौन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी है। तो डिफिनेशन क्या है कि भारत में विश्वविद्यालय का आशा किसी केंद्रीय अधिनियम, किसी प्रांतीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय से है, ठीक है, यानी इन अधिनियमों के द्वारा, इन अधिनियमों के द्वारा कोई निगमित विश्वविद्यालय से, जिसमें अधिनियम के तहत इस संबंध में बनाए गए विनियमों यानी नियमों के अनुसार उस संबद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं शामिल है, यानी ऐसी संस्थाएं जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मान्यता देता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसके बारे में क्या कहती है, रिकमेंडेशन करती है, तो उन्हें ही विश्वविद्यालय कहा जाएगा। साथ में उच्चतर शिक्षा जो होती है ये केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी है, दोनों का इसमें रोल होता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं, राज्य सरकार की अपनी योजनाएं होती हैं, यानी इस पर दोनों की साझा जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे रूसा है, ये भारतवर्ष के सभी यूनिवर्सिटीज में चलता है, अब यूनिवर्सिटीज में चल रहा है तो स्वाभाविक है कॉलेजों में भी चलेगा, तो ये केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, वहीं पर राज्य सरकार के अपने प्रोग्राम होते हैं। अब क्या होता है कि जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो मानक तय किए जाते हैं
उसका निर्धारण कौन करता है? उसका निर्धारण यूजीसी करती है, और साथ में जो अन्य संविधिक निकाय हो, नियामक निकाय होते हैं, उनको सौंपा गया। जैसे अब कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो उसको कौन देखेगा? AICTE देखेगी। अब कोई क्या कहते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज है तो उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वो भी देखेगा। तो यानी यूजीसी और ये दोनों मिलकर के उसको क्या करते हैं, उनको समन्वय रखते हैं और साथ में उसका निर्धारण करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की क्या क्या कार्यक्रम होने चाहिए, कौन से कोर्सेज चलने चाहिए, डिग्रियां किस प्रकार देनी चाहिए। केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार सबसे पहले एक तो यूजीसी को अनुदान देती है, उसका बजट अलॉट करती है। साथ में क्या करती है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं होती हैं, इनकी स्थापना करती है। इनकी स्थापना कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार किस प्रकार से करती है? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि जो केंद्र सरकार होती है, यदि कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहती है या किसी राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्था का स्थापना करना चाहती है, तो वह यूजीसी की सलाह पर उसकी स्थापना करती है केंद्र सरकार। यहाँ पर उसको यूजीसी की सलाह लेनी आवश्यक है। साथ ही में क्या करती है, केंद्र सरकार किसी भी विश्वविद्यालय को क्या कर सकती है, सम विश्वविद्यालय घोषित कर सकती है, लेकिन वो कब करेगी? यूजीसी की सिफारिश पर करेगी। ठीक है, इसके लिए वो शैक्षणिक संस्थाओं को, यहाँ पर केंद्र सरकार यूजीसी की सिफारिश पर शैक्षणिक संस्थाओं को सम विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए उत्तरदायी है। तो किसी भी विश्वविद्यालय को या किसी शैक्षणिक संस्थान को सम विश्वविद्यालय घोषित करने के उत्तरदायी कौन है? केंद्र सरकार है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वर्तमान में जो विश्वविद्यालय इस तरह है किस प्रकार से बैठा हुआ। पहली बात तो एक होती है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, और विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थाएं भी होती है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन होता है? एक तो पहली बात, केंद्रीय अधिनियम यानी केंद्र सरकार जो नियम बनाई है, कानून बनाई है, उसके द्वारा जो स्थापित विश्वविद्यालय होते हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों को कौन कानून बनाता है? वो जो राज्य सरकार ने एक विश्वविद्यालय के लिए कि क्या क्या आपको नियमों का पालन करना होगा, आपके विश्वविद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, कौन कौन से कोर्स चलेंगे, कितना आपके पास उस समय पे वित्त होना चाहिए तब हम आपको विश्वविद्यालय बनाएंगे, इन सारे बहुत सारे उसके अंदर क्लॉज हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो राज्य सरकार जो नियम अधिनियम बनाती है या उसको कानून बनाती है, उसके द्वारा जिन विद्यालयों की स्थापना की जाती है उन्हें राज्य विश्वविद्यालय कहते हैं। निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसे कहा जाता है? अब ऐसे विश्वविद्यालय केंद्रीय या राज्य सरकार जिनके लिए कानून बनाई है, तो उनका पंजीकरण सबसे पहले होता है। एक तो सोसाइटी पंजीकरण जो अधिनियम 1860 है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जैसे अपने मध्य प्रदेश में वैष्णो यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ITM कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आपका पटेल कॉलेज है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, RKDF कॉलेज है वो भी पटेल RKDF भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो इनको क्या करना पड़ता है? इनको सबसे पहले सोसाइटी जो पंजीकरण अधिनियम 1860 है, तो उन्हें सोसाइटी पंजीकरण करवाना पड़ता है। उसके साथ उनके पास एक लिमिट, एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है कि आपके पास इतना वित्त होना चाहिए इतने वर्षों के लिए। किसी भी प्रकार का यदि आपके पास उस टाइम पे वित्त इकट्ठा ना हो पाए या कॉलेज ना चले, तो जो वहाँ पे रोजगार है या जो संस्था है वो किस प्रकार से चलेगी, आपको पूरा का पूरा एक खाका मोटा मोटा रखना होता है कि हम आने वाले समय में हमारे पास कितना बजट है, हमारे पास बिल्डिंग कितनी बड़ी है, मैदान कितना बड़ा है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन उन सबसे पहले आपको एक सोसाइटी में आपको रजिस्टर्ड कराना होगा। उसके बाद क्या होता है, पंजीकृत जो सोसाइटी होती है उसका एक पूरा जो न्यास होता है, उसको कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में स्थापित किया जाता है। इसके बाद राज्य सरकार ने जो नियम बनाया है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, उसके माध्यम से पहले वो राज्य सरकार के पास जाता है, फिर राज्य सरकार क्या करती है कि उसको यूजीसी के पास भेजती है, फिर यूजीसी देखती है कि सभी के सभी इन्होंने क्लॉज है उनको पूरे किए या नहीं किए, फिर उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा देती है। सम विश्वविद्यालय क्या होते हैं कि विश्वविद्यालय संस्था जिसे सामान्यतः सम विश्वविद्यालय के नाम जाना जाता है, का आशय ऐसा है कि उच्च निष्पादन करने वाली वे संस्था जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की 1956 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उसे उस रूप में घोषित करती है। तो इसको घोषित करने का अधिकार किसे है? सेंट्रल केंद्र सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और UGC की रिकमेंडेशन में है। आगे की तरफ देखेंगे अंतर विश्वविद्यालय। यहाँ पर अंतर विश्वविद्यालय केंद्र की यानी IUC की, तो जो UGC होता है इनका जो अधिनियम है 1956, इसमें खंड 12 में इसके बारे में डिटेल दी गई है कि UGC इसकी स्थापना करता है और खंड 12 के CCC के अंतर्गत करता है। अब इसके लिए क्या होता है कि इसमें प्रमुख कार्य क्या है?
क्या है कि जो उन विश्वविद्यालयों को समान उन्नत केंद्रीय सुविधाएं सेवाएं प्रदान करना जो अवसंरचना और अन्य क्षेत्रों में अधिक निवेश करने में समर्थ नहीं है, लेकिन वहां पर विश्वविद्यालय की सुविधाएं हैं लेकिन बाकी के उनके अंदर समर्थता नहीं है, तो यूजीसी उनको ऐसी सुविधाएं देता है। संपूर्ण देश में शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, अनुसंधान और शिक्षण समुदाय के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के समान आधुनिक उपकरणों और पुस्तकालयों की सुविधा प्रदान करना। पहले क्या था कि जो परमाणु विज्ञान केंद्र था, ये अब जो कि अब इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर कहलाता है, 1994 में स्थापित किया गया था। ये पहला अनुसंधान केंद्र था जहां पर अनुसंधान होता था। अब वर्तमान में यूजीसी के अंतर्गत लगभग 6 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कार्य कर रहे हैं। अब इनमें एक आईयूसी नई दिल्ली है, इसके अलावा आईयूसीए पुणे है, यूजीसी डीएसआर इंदौर है, फिर सीईसी दिल्ली है, एनएसी बेंगलुरु है और अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र काकीनाडा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे वर्तमान में भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो उनकी संख्या है 40। अब इनमें से जो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। एक तो आपका हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि अमरकंटक में है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। इसकी जो स्थापना की गई थी ये भारत के संसद के एक अधिनियम के द्वारा अलग से स्थापना की गई थी। ये पूरे भारत वर्ष में एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय है। इसके लिए संसद ने एक अलग कानून लाया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम 2007, और इसकी स्थापना 8 जुलाई 2008 को जब इसके पहले कुलपति नियुक्त हुए थे तब ये अस्तित्व में आया था। अब इसका जो पूरा का पूरा क्षेत्र है केंद्रीय विश्वविद्यालय का, जो जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में, इसका जो पूरा का क्षेत्र है वो पूरे संपूर्ण भारत में है। यहाँ पर कहीं से भी क्या कह सकते हैं कि ये यदि कोई कॉलेज अलग जगह खोलना चाहता है तो ये उसको मान्यता, ये विश्वविद्यालय उसको मान्यता दे सकता है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में इसका होने का मतलब ये हो गया। साथ में केंद्र सरकार इसको क्या करती है, बजट इसको कौन देता है, केंद्र सरकार के द्वारा इसको बजट अलॉट किया जा सकता है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा ये पूर्णतः वित्त पोषित है। साथ ही में यहाँ पर जनजातियों की उच्च शिक्षा को स्वप्न पूरा करता है। अब दूसरा जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, ये मध्य प्रदेश का पहली यूनिवर्सिटी थी। इसके बाद क्या हुआ कि ये विश्वविद्यालय अपने आप में एक विशेष विश्वविद्यालय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के कोर्सेस मिलेंगे, जैसे एक तो आपका अपराध विज्ञान हो गया, पुलिस प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि अपने आप में एक पूरी, क्या, फॉरेंसिक साइंस हो गया, मानव शास्त्र हो गया, मंची कला हो गया, पत्रकारिता हो गया, तो यहाँ पर अलग अपने आप में एक यूनिक यूनिवर्सिटी के रूप में ये जाना जाता है। डिटेल्स हम जब राज्य के विश्वविद्यालय पढ़ेंगे तो वहां पर बाकी डिटेल्स देखेंगे। अभी हम मोटा मोटा यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को समझते हैं। अब राज्य विश्वविद्यालय क्या होता है? राज्य विश्वविद्यालय भी आपने पढ़ा कि जो प्रांतीय अधिनियम के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा अधिनियमित जो नियम बनाया गया है उसके अंतर्गत जिसकी स्थापना होती है राज्य विश्वविद्यालय कहलाता है। यूजीसी क्या है? यूजीसी की जो अधिनियम है 1956 उसकी धारा 12 खा के अनुसार 17 जून 1972 के बाद स्थापित राज्य विश्वविद्यालय केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। ये जब अधिनियम 12 खा के अनुसार 17 जून की जितने भी ये राज्य विश्वविद्यालय हैं इन्हें केंद्र सरकार और यूजीसी के द्वारा इन्हें निधियां दी जाती हैं। वो बहुत सारी योजनाएं चलती हैं उनके माध्यम से इनको वित्त दिया जाता है। बात करी जाए तो लगभग आज की डेट में 251 राज्य विश्वविद्यालय हैं जिनमें से केवल 123 राज्य विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी बजट आवंटित करता है, और इनमें से जो पूर्ण रूप से मेडिकल और कृषि विश्वविद्यालयों के लिए निधियां आवंटित नहीं करता। ऐसे कृषि विश्वविद्यालय जहां पर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विभाग है उनके सहित राज्य विश्वविद्यालयों को विशेष अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर इंजीनियरिंग कराई जा रही है जो कि कृषि से संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए या जिनका संबंध डायरेक्ट इससे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, उनको क्या होता है कि उनके लिए अलग से अनुदान दिया जाता है। जबकि राज्य विश्वविद्यालयों का विकास प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों संबंधित है, फिर भी विशेष योजनाओं के अंतर्गत विकास के बहुत सारे जो बजट होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया। सम विश्वविद्यालय से मतलब क्या है? सम विश्वविद्यालय से मतलब है विश्वविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा संस्थान जो शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक है, अब इसको कौन घोषित करता है?
केंद्र सरकार घोषित करती है और यूजीसी की सलाह पे करती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ अलग कार्य कर रहे हैं, उच्च स्तर का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिन संस्थानों को श्रम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जाता है, एक वे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तरों को विशेष अधिकार को प्रयोग करते हैं, इनको कुछ अलग से अधिकार दिए जाते हैं। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदनों की चयन प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने हेतु कृत संकल्प है। मतलब यूजीसी की जो 1956 की धारा 3 है, इसके अंतर्गत किसी को सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। अब जो राज्य के निजी विश्वविद्यालय होते हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये इसके लिए सरकार क्या होता है, अलग कानून बनाती है। और साथ में क्या होता है कि जो कंपनी के पहले इनका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद इसकी पूरी एक प्रक्रिया है, हमारे टॉपिक में है निजी यूनिवर्सिटी, वहां पे हम आपको, क्योंकि पूरा का पूरा जो अधिनियम है मध्य प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल है वो है, तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर आप केवल इतना समझ जाइए कि निजी विश्वविद्यालय के लिए मध्य प्रदेश में पहले एक कानून बनाया गया, कंपनी उसको पहले कंपनी में फर्म एंड सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपना, उसके बाद उसको अपनी जब फर्म और सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, तो ये आपको जानकारी होगी कि उसके लिए पहले उन्हें क्या होता है कि अकाउंट खुलता है, उसमें कुछ पैसे जमा होते हैं, फिर उसके पास उनके पास जमीन होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो जो नियम के अंतर्गत चीजें दी गई हैं वो सब पूरा करने के बाद किसके पास भेजता है, राज्य सरकार के पास भेजता है, राज्य सरकार उसकी जाँच करती है, फिर इसके बाद उसको कहाँ भेजती है, उसको यूजीसी के पास भेजती है। यदि उसमें फिर कुछ उसके दिन निर्धारित होते हैं, उतने दिन के अंदर वो सारी चीजें करनी होती है। डिटेल में मैं आपको जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा, मोटा मोटा आप ये जान जाओ। यहाँ पे फिर बात होगी यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय संघ की, ये भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ये भी एक क्या कहते हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है, जिसमें सभी जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं ये सदस्य हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ में सभी विश्वविद्यालय संघ है। अब जब विश्वविद्यालय उसका जब सदस्य रहेगा तो जो कुलपति या रजिस्ट्रार होंगे स्वाभाविक रूप से उसके सदस्य कहलाएंगे। जब इनकी बैठक होती है तो वहां पे कुलपति वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, कुलपति नहीं होते तो फिर वहां पे रजिस्ट्रार को भेज दिया जाता है। यह प्रशासकों और सदस्य विश्वविद्यालय संस्थानों के शिक्षाविदों के विचारों का आदान प्रदान करने और उसके बारे में चर्चा करने के लिए है भारतीय विश्वविद्यालय संघ का। साथ में इनकी क्या है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक और रिसर्च पेपर, यूनिवर्सिटी न्यूज नाम से इनकी साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी कि यूनिवर्सिटी हैंडबुक या यूनिवर्सिटी न्यूज ये जो एक पत्रिका है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो आपको ये याद रखना है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। आपसे पूछा जाए कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ क्या है, तो याद रखना कि ये एक पंजीकृत सोसाइटी है। इसके सदस्य कौन होते हैं, तो ये सदस्य हमें याद रखना है, जो भारतीय विश्वविद्यालय के जितने भी भारतीय विश्वविद्यालय होते हैं सभी इसके सदस्य होते हैं, ऑटोमेटिक ही वहां सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसकी जो सदस्यता है वो लगभग 527 लोग हैं, 7 एसोसिएट सदस्य हैं। अब इनमें काठमांडू विश्वविद्यालय नेपाल हो गया, मॉरिशस विश्वविद्यालय हो गया, तो ये जो विश्वविद्यालय हैं कजाकिस्तान वगैरह ये सब इसके 7 एसोसिएट सदस्य हैं। अब इसका जो पूरा का पूरा ये संस्थान चलता है, इसको बजट कहाँ से मिलता है, तो जो इसके सदस्य विश्वविद्यालय हैं ये लोग वार्षिक चंदा देते हैं जिसके माध्यम से ये चलता है, क्योंकि ये क्या है पंजीकृत सोसाइटी है और विश्वविद्यालय इसके सदस्य है, तो उन्हीं सदस्यों के द्वारा जब पैसा दिया जाएगा, क्योंकि ये फर्म और सोसाइटी में रजिस्टर्ड, फर्म में किसका जिनके जिनके शेयर है, सभी विश्वविद्यालयों का शेयर है, तो सभी को अपना कुछ ना कुछ उस पे अनुदान देना पड़ेगा, उसी के माध्यम से ये चलता है। अब इसमें एक विशेष अधिकार इसके पास होता है, जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ को भारत के पड़ोसी देशों में स्थित विश्वविद्यालय को एसोसिएट सदस्यता प्रदान करने के लिए भी अधिकार प्राप्त है। जैसे ये 7 एसोसिएट सदस्य हैं, यदि इसमें 8वां जोड़ना चाहते हैं तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ उनको सदस्यता प्रदान कर सकता है। अब बात होगी यहाँ पर NAC की। आपने नाम सुना होगा कि NAC का मूल्यांकन चल रहा है किसी विश्वविद्यालय का, किसी कॉलेज का, महाविद्यालय का। हाल ही में उज्जैन का जो महाविद्यालय है माधव कॉलेज, उसको NAC का A++ कर क्या की दिया गया था, ग्रेड दिया गया था, पहला महाविद्यालय था मध्य प्रदेश का। तो NAC का मोटा मोटा काम क्या है कि ग्रेडिंग करना, मूल्यांकन करना, ठीक है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद ये एक तो स्वायत्त निकाय है, ठीक है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र है। और इसको कब स्थापना की गई थी, इसकी जो नींव पड़ी थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1986 आई थी, तो उस समय पे इसकी क्या हुई कि एक नींव एक तरह से शुरुआत हुई,
लेकिन 1992 में भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया। फिर क्या हुआ कि जब यूजीसी ने अनुदान आयोग ने 1994 में स्थापित की गई, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1994 में जब नई शिक्षा नीति आई थी 86, तो वहां पर इसकी एक प्रकार से चर्चा हुई। जैसे अभी जो 2000 की अभी 20 की जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें बहुत सारे संगठनों का निर्माण होना है, अब उनकी चर्चा चल रही है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अधिकार क्या होते हैं वहां पर हाथ से जाते हैं। अब उनके ये भी हो सकता है कि हिटलर शाही भी आ सकती, किसी को ज्यादा मजबूत कर देंगे, तो पहले उस पर विवाद होते हैं, बहुत सारी बहसें होती हैं, और जब बहस वो खत्म हो जाती है तो कंक्लूजन निकलता है संसद में, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि हाँ इसको इस प्रकार से स्थापना की जाए। तो 1994 में एनएसी की स्थापना हुई थी। ये हमारे टॉपिक में अलग से है, वहां पर मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, यूजीसी का क्या रोल है, एनएसी का, यूजीसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो उनकी यहाँ पर क्या कहते हैं, वो किस ओहदे के साथ यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, स्कूल संस्था कार्यक्रम, कॉलेज, विभाग, विद्यालय, विश्वविद्यालय, इन सभी का क्या करना, मूल्यांकन करना। यहाँ पर एक तरह से आप ये मान चलो कि ये स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालयों के लिए एक तरह से ईडी होती है, एकदम से छापामार कार्रवाई होगी, और वहां पर देखा जाएगा कि स्टूडेंट्स को वो सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं जो बोली गई हैं या जो उस पे कहा गया है, ठीक है। आगे की तरफ पढ़ेंगे और बात करेंगे कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद 1 अप्रैल 2007 से लागू की गई एनएसी। अब इसमें होता क्या है, इसमें का खा गा इतने ग्रेड दिए जाते हैं, फिर इनके बाद प्लस प्लस जुड़ जाता है, ठीक है। एनएसी जब हम पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे, लेकिन ये सब डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत, जितना भी आज हम पढ़ रहे हैं सब कुछ ये हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत बात चल रही है। राष्ट्रीय मूल्यांकन के लिए 7 मानदंड इन्होंने तय करे हुए हैं। एक तो पाठ्यक्रम, शिक्षण अध्ययन मूल्यांकन, अनुसंधान परामर्श विस्तार, अवसंरचना, छात्र सहायता प्रगति, अभिशासन नेतृत्व, और साथ में नवाचारी प्रक्रियाएं। साथ में वहां पर बिल्डिंग, लाइब्रेरी, गार्डन, ठीक है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए स्पोर्ट ग्राउंड, ये सारी चीजें वहां पर देखी जाती हैं। पूरी डिटेल जब मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा भारत का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब बात जो होगी आगे की, हमारे जो बाकी के टॉपिक हैं जो अलग, जैसे आपका यूजीसी आ गया, AICTE आ गया, ठीक है, NAC आ गया, ठीक, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट आ गया, ये सभी अलग अलग विभाग दिए गए हैं। इनके बारे में जो यहाँ पे छोटी छोटी जानकारी दी गई थी, इसलिए हमने आपको यहाँ ज्यादा जोर नहीं दिया है। जो हमारे अगले वीडियो आएंगे तो हम देखेंगे कि इनकी स्थापना क्या, कब हुई, इनके उद्देश्य क्या है, इनका कार्य क्या है, इनका पूरा का पूरा जो संगठन होता है वो किस प्रकार से बनता है। मोटी मोटी जानकारी थी, आपको कैसा लगा वीडियो, आपके लिए लाभप्रद है या नहीं है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों के यदि कुछ सुझाव है, क्योंकि ये पहला वीडियो था आप लोगों के लिए, यदि अभी बहुत सारी इसमें गलतियां हुई होंगी, कुछ कमियां रह गई होंगी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये जो हमारे लेक्चर चलेंगे ये आप सभी के लिए ही हैं, आप लोगों के लिए ही है। आप लोग जब अपने सुझाव देंगे तो हमें भी एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें इस प्रकार के वीडियोज में ये चीजें और एड करनी चाहिए, हो सकता है हमारे दिमाग में ना आया हो, आपके पास हो तो आप उसको कमेंट करके आप अपनी क्या कहते हैं सुझाव हमें देंगे, या आपकी कोई आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिलेबस नहीं मिल रहा है या दिक्कतें जा रही हैं, इसमें कोई एरर है या कोई गलती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो अगले वीडियो में मैं उसको सुधारूंगा। साथ ही में यदि आपको रजिस्ट्रार से संबंधित कोई और सुझाव है या कोई आवश्यकता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए उन पे कुछ कार्य करें, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से या टेस्ट सीरीज के माध्यम से या बाकी की चीजों के माध्यम से। वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, यदि पसंद आया है तो शेयर करना नहीं भूलें। एग्जाम गुरु जी की तरफ से एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि 499 की है, और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। आप ये टेस्ट एक बार नहीं 1000 बार दे सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, हाँ माइनस मार्किंग का ध्यान रखेंगे। हमारी और आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, इसमें 2 से 3 दिन का समय लगेगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, आप लोगों के सुझावों का इंतजार करूंगा, और आप सभी की शिकायतों की भी इंतजार करूंगा, और आप सभी की आलोचनाओं का भी पूरी तरह से स्वागत है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव, अपनी आवश्यकता और आलोचना करना बिल्कुल नहीं भूलें। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।